8 बज रहे हैं और मैं यहाँ से क्यूबी कैप्सूल होटल से निकल रहा हूँ और बैक टू एयरपोर्ट. और थैंक यू, इट वॉज ग्रेट टाइम हियर एंड सी माई ब्लॉग. या ये बहुत अच्छे है, मतलब ना शी नो हिंदी ऑल्सो, शी वॉच इंडियन मूवी. थैंक्स लॉट, इट वॉज ग्रेट स्टे हियर. सुबह सुबह मैं हालत ख़राब है, मतलब सुबह उठना मतलब मेरे लिए जान पे आता है. तो भी मैं उठा हूँ, 12 बजे की फ़्लाइट थी मगर मुझे 8 बजे उठ के पैक करनी थी, फिर बाद में वहाँ से टैक्सी पकड़ के आना. और अभी मेरे पास 2 बोर्डिंग पास है. मैं इंडिया से मुंबई नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मुंबई की फ़्लाइट टिकट बहुत महंगी थी, मैंने देखा एयर एशिया के लिए जब मैं बुक कर रहा था. तो मुझे एट लास्ट मोमेंट में प्लान करते करते जयपुर की टिकट मिली थी जो 6,000 रुपये में विदाउट बैगेज है. ये 7 kg का लगेज जो है मेरा, उसके साथ ही फ्लाई कर रहा हूँ. तो मुझे ना दोनों बोर्डिंग पास दे दिया गया है यहाँ पे, दोनों बोर्डिंग पास. लाइक एक बोर्डिंग पास है यहाँ से डॉन म्यूंग का, और डॉन म्यूंग एयरपोर्ट है जो बैंकॉक का, और दूसरा बोर्डिंग पास है मुझे बैंकॉक से ना डॉन म्यूंग के एयरपोर्ट बैंकॉक में जो डॉन म्यूंग एयरपोर्ट है वहाँ से मैं जयपुर जाने वाला, वो भी बोर्डिंग पास मुझे मिल गया क्योंकि मैंने सिंगल PNR टिकट है. सिंगल PNR में मतलब आपको कोई कनेक्टिंग कंट्री में से फ़्लाइट रहेगी ना तो उसकी वीज़ा नहीं पड़ती, ज़रूरत नहीं पड़ती है. तो अभी मुझे कनेक्टिंग फ़्लाइट थी यहाँ से थाईलैंड से जयपुर सिंगल PNR, और ये टोटल 6,000 में पड़ी है मुझे यहाँ से, मतलब थाईलैंड से जयपुर. मैंने एक ही सिंगल PNR पर टिकट लिया. मुझे मुंबई टू बाली टू मलेशिया से बॉम्बे टिकट बहुत महंगी मिल रही थी, और गरुड़ा एयरलाइंस के जो टिकट बाप रहे 20,000-15,000. तो इसके लिए मेरे को 6,000 में टिकट मिली, मैंने ये बुक किया विदाउट लगेज. और आपको ढूंढना पड़ेगा, जयपुर की टिकट सस्ती मिलती है, थाईलैंड जाना है तो कोलकाता से एयर एशिया बहुत सस्ती पड़ेगी, मलेशिया जाना है तो कोची से सस्ती पड़ेगी, भुवनेश्वर से भी बहुत सस्ती है, और फिर बाली जाना रहेगा तो भी आपको ना वही पकड़ना पड़ेगा कोची मलेशिया से करके, एयर एशिया की डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है वहाँ पर. बोर्डिंग गेट पर आ गया हूँ, सब लोग बैठे हुए हैं. और जैसे कि मैंने बोला कि आपको नींद कम्प्लीट नहीं हुई थी और मेरे को डिहाइड्रेशन जैसा लग रहा था, तो उस टाइम पर पानी और फ्रूट्स सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि मुझे पता है कि मैं ट्रैवल करता रहा तो मुझे क्या खाना चाहिए क्या नहीं, कब क्या ड्रिंक करना चाहिए. तो मोस्टली अभी मैं ऐसे टाइम के लिए, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आपके लिए सबसे अच्छा फ्लाइट में प्रॉब्लम ना हो फ्रूट सैलेड जो है मुझे 200 रुपये में पड़ा है, और फिर मैं पानी का बॉटल टोटल मिला के मुझे 300 रुपये में अभी पड़ा है. मगर इसके लिए मैं बोलता हूँ कि ट्रैवलिंग करने का टाइम ना आप बजट ना सेट करो, मगर ना अपने साथ ना हमेशा पैसा एक्स्ट्रा रखो. कभी कुछ भरोसा नहीं हो सकता कि क्या इंसिडेंट हो जाए, कभी कुछ तबीयत ख़राब हो गया, कहीं रास्ते में भूख लगा, एक क्रेडिट कार्ड ले लीजिए. HDFC का मनी बैक कार्ड आता है जो जिसकी सैलरी 15,000 के ऊपर है उनको मिलता है वो. तो जिसकी भी सैलरी 15,000 के ऊपर है तो उसकी लिमिट है 30-35,000 मिलेगी आपको स्टार्टिंग. 30-35,000 बहुत हो जाता है ऐसे टाइम पे ट्रैवल करने के टाइम पे, उसको इंटरनेशनल एक्टिव कर देना और उसको यूज़ कर सकते हो. ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्रेडिट कार्ड, क्योंकि मतलब ना कहीं फंस गए, लेट हो गया, कुछ हो गया ना तो आपको बहुत काम आएगा, इंटरनेशनल एक्टिव कर देना. बोर्डिंग पास तो मुझे बाली में मिल गया था, अभी मैं थाईलैंड एयरपोर्ट पे हूँ डॉन म्यूंग के, और मैं गेट नंबर 14 पे जा रहा हूँ. इंटरनेशनल ट्रांसफ़र रहेगा, आपको ना इमिग्रेशन की करने की ज़रूरत नहीं रहेगी वापस. Please.
हम लोग पहुंच गए जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। 4.5 घंटे की फ्लाइट थी बैंकॉक से डॉनविंग एयरपोर्ट फाइनली जयपुर, और टाइम था 8:30 का लैंडिंग का, मगर हम लोग पहुंचे 9 बजे। एयरपोर्ट वैसे तो छोटा सा ही है, इमिग्रेशन सबसे अच्छी बात थी कि मतलब हम लोग 6-7 ही जन थे लाइन में। बात है इमिग्रेशन की, इमिग्रेशन में हम लोग 6-7 ही जन थे, ज़्यादा जन नहीं थे। नहीं तो आप देखोगे ना, हमेशा मुंबई में इमिग्रेशन के लिए लाइन लगी रहती है, उसमें आधा एक घंटा चले जाता है। कभी कभी डिपेंड है कि फ़्लाइट कम लैंड भी रहेंगी तो आपको इमिग्रेशन फटाक से क्लियर हो जाता है। 10:05 हो रहे हैं, गिरधारी लाल जी मुझे मिल गए और अभी ये मेरे को ड्रॉप करेंगे मेरे हॉस्टल, जिसका कॉस्ट है 75 रुपीज़ इंडियन। हम लोग वंडर्स नेस्ट हॉस्टल पहुंच गए, गिरधारी जी ने मुझे छोड़ दिया यहाँ पे, थैंक्स गिरधारी जी। और बहुत अच्छा था, थोड़ा लंबा सफ़र है, मुझे लगा मतलब 11 किलोमीटर, अच्छा हुआ रोड पूरा एम्प्टी था करके जल्दी पहुंच गए हम लोग। तो उसका कॉस्ट, हाँ ट्रैफिक नहीं था क्योंकि 10:10 करके। अभी मैं हॉस्टल के फ्रंट में हूँ, आपको दिखाता हूँ, यह है वंडर्स नेस्ट हॉस्टल जहाँ पे मैं रुकने वाला हूँ आज। वंडर्स नेस्ट हॉस्टल में है, यह है रिसेप्शन, आपका नाम अनिल, अनिल है। तो आज की 2 रात में यहीं पर रुकने वाला, जयपुर एक्सप्लोर करने वाला हूँ, तो क्या एक्सपीरियंस है आपको मालूम पड़ेगा। अभी मैं आपको रूम भी दिखा दूंगा जहाँ पे मैं डोम में रहने वाला हूँ। ठीक है चलेगा, इसमें 2 जन की रहेगी 1 जन की रहेगी? नहीं नहीं, ये वाला आपका है, ये किसी और का है, तो लॉक भी ये वाला है, इसका लॉक ही लगा है। अच्छा ऐसा है क्या, सामान और मैं अकेले का। ठीक है चलेगा, इसका प्राइस पर डे का है 150, अगर आप अगर आप एसी लोगे तो आपको 200 पड़ेगा। हाय गुड आफ्टरनून एवरीवन, राइट नाउ हम लोग हैं वंडर्स नेस्ट हॉस्टल में, और मेरे साथ मेरे खास दोस्त क्षितिज, वेलकम टू द यूट्यूब। ये भी ट्रैवलर है, इन्होंने भी ट्रैवल किया अभी 4 कंट्री रिसेंटली, मतलब सिंगापुर, मलेशिया, बाली, और नेक्स्ट ट्रिप करने वाले, मतलब ये यूट्यूबर नहीं है मगर इनको ट्रैवल करना बहुत पसंद है। तो अभी ये मुझे, मतलब मेरे एक और फ्रेंड है प्रीतम दास जो कोलकाता से, और हम लोग ये म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, तो ये मुझे यहाँ पे मिले और ये आज का दिन मुझे पूरा घुमाने वाले, और ये यहाँ पे मैनेज करते हैं। हाय गाइस, हाउ आर यू, वंडर्स नेस्ट हॉस्टल में ये आप लोगों को मिलेंगे यहाँ पे कुछ भी रहेगा तो। और अनिल इससे मिलो, ये छोटा भाई उनका। तो फाइनली हमारा डे स्टार्ट होता है यहाँ से जयपुर एक्सप्लोर करने का, और आपको हेलमेट पहनना कंपलसरी है। लाइक मुंबई हम लोग बैक साइड बैठे तो हम लोग हेलमेट नहीं पहनते, जो आगे रहेगा फ्रंट सीट पे बैठता है वही पहनते हैं, मगर जयपुर में आपको पहनना कंपलसरी है। तो लेट्स सी आज मुझे सितेश क्या क्या दिखाने वाले। मजबूत धूप है यहाँ पे, तो गन्ने का जूस ही सबसे अच्छा रहेगा, जितना भी हो सके लिक्विड इनटेक करो ट्रैवल करने के टाइम पे। अभी ये टाइम पे साहू रेस्टोरेंट जो चाय के लिए फेमस है, उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम कुल्लड़ में चाय पियोगे कि या ग्लास में। कुल्लड़ में चाय पीने का मजा ही कुछ अलग है, अगर कुल्लड़ में ही देना, मट्टी की खुशबू आती है उसमें। बंदे वाले गर्मी में पिलाने के लिए आपके पास आया हूँ। तो इनकी शॉप है अवेलेबल चौड़ा रास्ता पे, नाम सुन के थोड़ा अलग लग रहा है चौड़ा। तो चौड़ा रास्ते पे आप आइए साहू रेस्टोरेंट, चाय पीना रहेगा अगर चाय का शौक है। मुझे तो कॉफी और चाय बिल्कुल बहुत फेवरेट है मेरी,
कहीं पे भी जाओ कॉफी चाय चाहिए होती है मुझे, मॉर्निंग मेरी चाय के बिना होती नहीं है। If I drove to you tonight, would you wanna get away? We could get on a flight and leave today. My mind has been running wild, thinking away. I'd rather be now. I know it has been a while since you envisioned what you once dreamed of. Will you take my hand? क्या बोल रहे थे आप सितीश? यहाँ पे एंट्री फ्री है और यहाँ पर अपने एंट्री फ्री है, अपन ऊपर तक जाएंगे, यहाँ पे एक टेम्पल है, ठीक है। टेम्पल में आप फ्री में जा सकते हो, वहाँ पे फोटोग्राफी अलाउड नहीं है इसलिए हम अंदर जा नहीं सकते हैं। और इसके अलावा इसमें एक पेड भी है, लाइक आपको अगर जाना है वहाँ पे अंदर जाना है तो उसके लिए अलग अलग चार्जेस है। आप इंग्लिश में बोलोगे तो इसको लाइक अमर पैलेस और हिंदी में बोलोगे तो अमर महल। इंडिया में अवेलेबल है ना? ये पार्सल लेके जा रहे हैं अंकल। अभी कितने साल से खा रहे हैं आप? मतलब हमारे जैसे ये भी फर्स्ट टाइम आए। अच्छे टेस्टी है। क्लाइमेट के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ गर्मी में लस्सी बेस्ट ऑप्शन है। कहना चाहोगे सितीज खाओ? ये जयपुर की सबसे फेमस और सबसे बेस्ट कुल्फी है। अगर आप जयपुर आ रहे हो और ये नहीं खा रहे तो जयपुर ही मत आना फिर कभी। अच्छा मैं खा लिया फिर तो, नहीं तो मेरे को भी नहीं आने बोलते थे। अगर ये नहीं खाता तो सात बज के 5 मिनट हो रहे हैं। मैं और सितेज, थैंक्स सितेज, मज़ा आया इनके साथ 2 दिन। मतलब कल मॉर्निंग में मिले और कल कैसे इवनिंग गया पता ही नहीं चला मुझे पूरा टाइम जयपुर में। हर एक इनके बिना पॉसिबल नहीं होता था। जो भी है मिठाई से दुकान से जितने भी आपने वीडियोस में देखे ना, ये सब इनको नॉलेज थी। इन्होंने मेरे को एक्सप्लोर कराया पूरा, मज़ा आया, अच्छा दिन था। यहीं पर ट्रिप ख़त्म होता है जयपुर का। अभी खाली आपको फ़्लाइट ड्यूरेशन दिखाना, मेरे को फ़्लाइट जर्नी जयपुर टू बॉम्बे। और ये फ़्लाइट टिकट मैंने बुक किया है 2200 रुपीज़ में। सुबह 8:20 की फ़्लाइट है और अभी टाइम हो रहा है 7:30, तो मैं वेट कर रहा हूँ बोर्डिंग गेट ओपन हो तब मैं अंदर जाऊँ। Look out and see the lights, our future starts today. And I'm in love with the sight, there's nothing I would change. When you are here by my side, you're the wind in the ceiling, I'm in the ocean. We can feel alive, riding these waves out in the open. Will you take my hand and run? Won't you take my hand and we can get away? Here we go, our dreams will be awakened down the road. Is we'll be reflecting back when we are old. Let's just run. And as we move, we'll see all of the stars align. Trip यहीं पे खत्म होता है हमारे 3 country का। आपका नाम? सर? आपका नाम? लालचंद यादव। ओह लालचंद यादव। इनका नाम लालचंद यादव है और मेरे डैडी का नाम भी लालचंद यादव ही है। Whether you know it, I'll break the walls down. तो राइट हम लोग मुंबई के हैं। ऑटो ये भी भाई मुंबई आपको ऑटो जरूर ट्राई करना चाहिए, उसकी बात ही अलग है। Whether you know it, I'll break the walls down.